ग्वालियर में आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ मुहिम जारी है। आबकारी विभाग ने एक बार फिर भारी मात्रा में अवैध शराब का जमीन में गड़ा जखीरा बरामद किया है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते ग्वालियर में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया है। लिहाजा अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने मुहिम छोड़ रखी है, जिसके तहत अवैध शराब बनाने वालों और उसे बेचने वालों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आबकारी विभाग की टीम मोहना में कंजरों के डेरे पर पहुंची, जहां जमीन में प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर अवैध शराब रखी हुई थी। साथ ही अवैध शराब में उपयोग होने वाले 85,000 किलोग्राम सामग्री को भी नष्ट किया है। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनके पास से 1600 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की है, जिसकी कुल कीमत 85 लाख रुपए आंकी गई है। सर, कार्रवाई करी है अभी आबकारी विभाग ने, कितनी जगह पर कार्रवाई करी है, कितना माल पकड़ा है? ये यहाँ से मोहना जो विकास खंड है उसमें बरसाना मोहल्ला है, वहाँ पर कंजरों की बस्ती है, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें 7 प्रकरण दर्ज किए गए। लगभग 85 लाख रुपए कीमत का गुड़लाहन और मदिरा वहाँ से जब्त और नष्ट किया गया। कितनी जगह पर कार्रवाई करी, 7 जगह कहाँ पे? 7 जगह उसी बरसाना मोहल्ले, अलग अलग पॉइंट थे, जहाँ पे कोई कृषि भूमि में था, कोई फॉरेस्ट लैंड थी, कोई किसी जगह का था, वहाँ पे अलग अलग कार्रवाई की। तो बनाते किस तरीके से, रखते कहाँ पे थे, कहाँ से पकड़े? ये एक शेडेड घेरा हुआ एरिया था, जो शायद फॉरेस्ट लैंड है या जो भी है, वो एरिया था। उसमें ये लोग बाड़ा बना के, चारों तरफ बाड़ा बना के, उसमें एक भट्टी नुमा गड्ढे बनाते हैं, फिर उसको भट्टी चला के वहाँ बनाते हैं नाम से। और इसके अलावा कुछ ड्रम थे जो कि छुपे हुए थे उन्हीं जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, और कुछ ड्रम जमीन में भी मिले हमको, जिसमें कच्ची शराब मिली। वही हर बार की तरह वहाँ पे जो माइनर बच्चे और वो बुजुर्ग लोग, बहुत बुजुर्ग, बस वही लोग मिलते हैं। और कोई सरकारी जमीन पे भी इन लोगों ने गाड़ रखे तो वो रेवेन्यू का थोड़ा सा उधर मैटर जाता है उधर की तरफ।